सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उसके बाद घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। दिवाली साला सुनिए के मन में पड़ाका छूटे लगत रहे। बचपन के दिवाली के बातें कुछ और रहे। सब संगतिया जब मिल के आ दशहरा बीतते हमनी के पैसा इकट्ठा करे लागत रह जा। आ जब 10 गो दिन रह जाई तो सब संगतिया मिल के आदमी बाजार जाई आ छाँट छाँट के एको गो पड़ाका किनाई। 2 गो पड़ाका तनी हमनी के ज्यादे पसंद रहे। एगो तो बिड़ियावा आ एगो सांपवा वाला। साला धरैला पर एकदम सांप नियन बन जाई। एकरा बाद रहे चकरियावा, देवाली, बिड़ियावा आ सबसे अंत में नंबर आई बम के। वो कौन बम? बुलेट। साला का आवाज करत रहे एकदम लागी कि काने सुन हो गए, कुछ सुनाइबे ना करी। वही में जब कोनो संहतिया आसमानी पड़ाका किन ली तो वो तनी अपना के एकदम विशेष समझे लगे। खैर जब 2-4 गो दिन रह जाए तो गांव में जेने तेने पड़ाका के आवाज सुनाए लगी। दिवाली आवे से 1 दिन पहले हमने के सब पड़ाका लेके आदमी छत के ऊपर पसार दी धूप में, एह खाती कि वो तनी सूख जाई तो तनी विशेष आवाज करी। दिवाली के दिन एने ओने करे में कब सांझ हो जाई कुछ पते ना चली। जैसे ही सांझ होई तो सब संगतिया हमनी के माटी के दिया लेके शिवाला में गोरैया बाबा तो ब्रह्म स्थान आदमी बारे खाती जाई। आ सबसे बेजोड़ लागी जब पकिया इनार पर चारों दिन से जब दिया बरी नो तो ऐसा लागी कि सलाह में के कौना लोक में आगू नहीं जा, कुछ बुझाइबे ना करी। सगरे से जब दिया बार के आदमी घरे आई तो अब नो असली धमाल के बेरा आई बा। ऐसे अब तो पड़ाका छोड़े के नो बेरा आ गई। अब तो जेने देखो तेने खाली पड़के के आवाज सुनाता। पड़ाका छोड़े में कतना लोग के चरण पर गाड़ल बांस आ भैंस के गाड़ल खूंटा हमनी के फरनी जा। एकर हिसाब किताब तब सवेरे में देखल जाए। जब सवेरे से पड़ाका छोड़ छाड़ के जब मौज मस्ती खत्म हो जाए तो बारी आई अब हथिया घोड़वा मिठाई के। साला गजबे सवाद ओकर लागेला, बुझाई कि एकदम ओकरा ऐसा तो दोसर कोनो मिठाइए नहीं। जब खा पी के आदमी राती खानी सूती तो सुतलो में साला खाली पड़के के सपना आई। रात भर बुझाई कि सपना में हमने के पड़के के आवाज सुना था। लेकिन अब के दिवाली के तो बुझाते नहीं थे कि दिवाली हो। ना मन में कोनो मंगवा, ना हृदय में कोनो जोश। अब तो समझे में नहीं खे आवत कि कब दिवाली आई आ कब चल गई। पटाखा इतना महंगा हो गई कि अब बुझाता कि नहीं भी ना करी। ऊपर से सरकारी आदेश बा कि पटाखा छोड़ला के वजह से ध्वनि प्रदूषण आ वायु प्रदूषण दोनों होता। हथिया घोड़वा मिठाई के तो अब के आदमी नामे ना जानी हमारा लगता। ऐसे कि ओकरा स्थान पर बेसन के लड्डू आ सुधा के मिठाई आ गई बा। खैर हमरा तरफ से दीपावली के ढेर सारा शुभकामना और बहुत बहुत प्यार बरवा सबके। हमारे चैनल के ऐसा ही देखते रहें और सब्सक्राइब करें जा।